स्नोरिंग कॉजेज एंड मैनेजमेंट। यस दोस्तों, बात करते हैं आज स्नोरिंग के कारण और मैनेजमेंट पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी कि बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अनेक आपको हेल्थ से ENT से रिलेटेड उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन समय समय मिलता रहे। दोस्तों, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। दोस्तों, लास्ट जो हमने चर्चा की थी एक लैरिंजाइटिस के रिगार्डिंग चर्चा की थी, बट ये जो स्नोरिंग है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है। बात करते हैं सबसे पहले क्या है ये स्नोरिंग। दोस्तों, आप सब जानते हो जब हम सोते हैं, सोने के टाइम पे जो खर्राटे, जो स्नोरिंग की जो गर्गलिंग साउंड्स आते हैं सोते समय हमारे थ्रोट से, दैट वी कॉल द स्नोरिंग। अब स्नोरिंग के दोस्तों क्या कारण होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि जो हमारा एयरवे है, आइडियली हमें सोने के बाद में दोस्तों घुटने, जो हमारा नोज बनाया है, नोज से हमें प्रॉपर ब्रीदिंग होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को नॉर्मली नोज से ब्रीदिंग नहीं होती एंड उसको मुंह से ब्रीदिंग होती है तो उसको स्नोरिंग स्टार्ट होता है। तो मोस्टली जो हम पेशेंट देखते हैं उनमें जितनी भी जो स्नोरिंग के पेशेंट हैं उनमें मोस्टली जो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं वो नोज के अंदर प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि नोज के अंदर उनको हो सकता है कि उनको DNS की प्रॉब्लम हो सकता है उनको नोज के अंदर उसके पॉलिप बना हुआ हो सकता है उसके अंदर जो है नोज के अंदर कोई मास और बन गया हो। सो उनको क्या है कि जैसे नोज ब्लॉकेज जब रहता है तो गोड ने दूसरा एक अल्टरनेट बनाया है, मुंह से सब सांस लेता है, तो उसके कारण जो हमारा मुंह से जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो यूवुला है जिसको हम कागलिया बोलते हैं उसकी फ्लटरिंग होती है, जिसके कारण उसके वाइब्रेशन के कारण हमारे को स्नोरिंग क्रिएट होती है। सो दोस्तों, इसके अलावा स्नोरिंग का कारण क्या है कि बहुत बार क्या है कि चलो नोज से हमारा काम चल रहा है लेकिन हमारा जो है पूरा जब नोज से ब्रीदिंग नहीं करके पार्शियली जब माउथ ब्रीदिंग होती है, यहाँ हमारे बहुत सारा फैट एक्युमुलेट हो जाता है, हम बहुत ऑबीस होती हैं, बहुत बड़ी हमारा टमी जब आ रहा होता है, या हम बहुत कोई अल्कोहलिक होते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की हैबिट होती है दोस्तों, उसके कारण भी क्या होता है स्नोरिंग होता है। अब दोस्तों, स्नोरिंग का जो ये कारण है इनके साथ में इसका मैनेजमेंट क्या है। दोस्तों, स्नोरिंग का जो मैनेजमेंट है तो सबसे पहले उसके लिए एक CT स्कैन जो है वो एक नोज का कराया जाता है एंड पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जिससे उसके कारण को हमें पता लगाया जाता है। जैसे सपोज आपके नाक के अंदर कोई मास है या कोई DNS है या कोई पॉलिप है तो उसको क्या है सर्जिकली करेक्शन किया जाता है। एंड साथ के अंदर जो हमारा यूवुला होता है, जो कागलिया बहुत बड़ा है या जो हमारे टॉन्सिल जो बड़े हैं या हमारे जीभ का पीछे का हिस्सा बहुत बड़ा है जो हमारे सांस को अवरोध कर रहा है, तो दोस्तों उसको क्या है सर्जिकल जो है वो मैनेजमेंट किया जाता है। ये तो हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके साथ में दोस्तों कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी किया जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों, आदमी को जो है आपका वेट आपको रिड्यूस करना होता है एंड आपको जो है वो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सब चीज़ें भी आपको अवॉइड की जाती हैं। आपको अलोम विलोम है, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हैं, जिम आपको जाना है, आपको अपना वेट रिड्यूस करना है, ये सारा भी किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस भी दी जाती हैं एंटी एलर्जिक, जैसे आपको एलर्जी रहती है तो नोज में जो कंजेशन के कारण यूजुअली स्नोरिंग क्रिएट होते हैं तो उसको जो है वो मेडिकेशन से भी मैनेज किया जाता है। ये हो गया दोस्तों अडल्ट में। छोटे बच्चों में भी आपको अगर स्नोरिंग है तो दोस्तों उसमें क्या है कि उनको एडिनोइड और जो उनके टॉन्सिल्स होते हैं उनको, अगर 4 साल से बड़े बच्चा हो गया और उसको माउथ ब्रीदिंग होती है, स्नोरिंग हो रहा है, तो उसको एक लेजर से एडिनोटॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी के माध्यम से जो ब्लॉकेज को रिलीव किया जाता है एंड स्नोरिंग से निजात पाई जा सकती है। सो दोस्तों, देखा आपने, ये है स्नोरिंग का कारण और ये उसका मैनेजमेंट है। दोस्तों, ये जो स्नोरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है रियली इट्स वेरी यूजफुल, आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कलीग से शेयर करना चाहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे स्नोरिंग के क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनसे हमें बचना चाहिए एंड यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर कलीग्स एंड फैमिली मेम्बर्स, जिससे जो स्नोरिंग के रिगार्डिंग जो है हमारी अवेयरनेस क्रिएट हो। थैंक यू।